بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। गाइस सबसे पहले आप लोगों से बहुत बहुत थैंक्स कि आप लोगों ने अभी तक मुझे काफी सपोर्ट किया है। और गाइस आप लोग पता है जो ब्लैक में रुका हूँ जो गेम प्ले है गाइस मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया। और आपने नहीं देखा है तो आप चैनल लिंक में जाकर जरूर एक बार चेकआउट कर सकते हैं। ओके, तो गाइस ये जो आज गेम खेलने वाले हम ये बहुत डरावना गेम है। और गाइस हमारा जो मेन मोटो था इस चैनल का गाइस इसमें यही था कि सबसे बेस्ट जो हॉरर गेम्स है हम वो खेलेंगे। और 1 जनवरी 2025 को गाइस तुम्हारा भाई पिछले साल की तरह एक ऐसी वीडियो निकालेगा जो कि वर्ल्ड की टॉप 10 बेस्ट हॉरर गेम्स रहेंगे गाइस। ठीक है, समझ गया। तो ठीक है गाइस, हमेशा करते रहो एक चीज की, ये है तुर्स ब्रदर्स YT और मैं हूँ आपका भी पुराना दोस्त और घोस्ट तुर्स बाबा। अब ये देखते हैं कि वाकई में ये गेम हमें डरा पाता है या नहीं। तो ठीक है गाइस, मैं गेम को स्टार्ट करता हूँ, आइए देखते हैं मजा आएगा। FND गेम्स, बहुत हल्ला हो रहा है भैया, कन्मा में दर्द कर दिया है। ओके, The game contains extremely disturbing scenes and sound online. Guys, game में पहले ही हमें वार्निंग दी गई है कि ये गेम में बहुत ही ज़्यादा आपको डिस्टर्ब कर सकता है और बहुत सारे ऐसे ऐसे इसमें एलिमेंट्स आएंगे या साउंड ट्रैक आएंगे और सीन्स आएंगे जिससे आप डर सकते हो। और कहा गया है गाइस कि हम जो भूतों से डरते हैं उसके लिए आपको अपनी तरफ से सबसे बड़ा आपका हथियार वही है कि आप उसका सामना करो। गाइस यहाँ पर गेम स्टार्ट हो चुका है और लोडिंग हो रहा है। गोल 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 क्या घूम रहा है? ओह, किसी शहर का फोटो आ रहा है। ये एक ऐसी घटना है जो कि यकापुर में हुई थी। ये जो गांव है यहाँ पर बहुत से अजीब घटनाएं घटती है और ये अपने पैरानॉर्मल एक्टिविटी के लिए मशहूर है। एक नए शादीशुदा जोड़े ने शादी करने के बाद में यहाँ पर सेटल हुए थे, लेकिन किसी कारणवश दुल्हन की मौत हो जाती है और जो दुल्हन की फैमिली वाले हैं, उन्हें उसकी मौत के बारे में कोई भी एहसास नहीं होता क्योंकि वह उन्हें पसंद नहीं करते थे। ओके? और उसके बाद उस दुल्हन की आत्मा उस घर में जाके बस जाती है। ओ भाई साहब, वो देखो यार। और हमारा काम यहाँ पर ये है, हमें उस घर में घुसकर उस भूत को वहां से भगाना है हम अपने मंत्रों से, यानी कि तुम्हारा भाई पंडित है। मिनल जिन्नति वन्नास, ये सब कुछ रियल है। बिस्मिल्लाह, वर्षों वर्षों तक। गाइस एक रियल ट्रू स्टोरी बेस्ड गेम है और यहाँ पे कोई मंत्र पढ़े जा रहे हैं, जैसे कि हम लोग जब भी कोई पूजा पाठ वगैरह स्टार्ट करते हैं तो मंत्रों को करते हैं, आरतियाँ करते हैं या कोई नमाज पढ़ता है। तो यहाँ भी मुझे कहे कोई नमाज पढ़ रहा है देवी। और गाइस ये गेम है तुर्की का और ये जो लैंग्वेज है ये भी तुर्कीश है। गाइस तुम्हारे भाई ने थोड़ी सी कोशिश करी थी कि इसे डब करने की, अगर आपको अच्छा लगता है तो मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि गाइस मेरे पिछले गेम्स में बहुत सारे गेम्स मैंने डबिंग करने की कोशिश करी है, यानी कि इसके बाद तो गाइस मैंने ऐसी ऐसी डबिंग करी है जो लगता ही नहीं है कि भाई ये गेम चल रहा है, लगता है कि मूवी चल रही है। वो कौन के जब मैंने अभी गाइस 1, 2, 3, 4, 5, 6 करके पूरे पार्ट्स निकाले हैं जो पूरा एक वीडियो में फुल पार्ट है। तो यहाँ पे गाइस मैं नमाज पढ़ चुका है तो आप जाके बस जरूर करना कि फुल हिंदी में। तो यहाँ पर गाइस मेरे जो बंदा है नमाज पढ़ चुका है, ठीक नहीं रहा, ये सुसुसु आवाज आ रही है। गाइस अगर हेडफोन यूज कर रहे हो आप तो अच्छी बात है, अगर नहीं कर रहे हो तो आपको बिल्कुल मजा नहीं आएगा, मैं पहले बोल रहा हूँ। यहाँ से आवाज आ रही है मेरे, उसकी सांसों की आवाज भी आ रही है गाइस, एकदम क्लियर आ रही है मेरे को। ओके, यहाँ से फिर मुझे इस साइड चलना पड़ेगा। नाइस, बिस्मिल्लाह, मुझे कार्यवाही देखने दो। दरवाजा खोलने से पहले से ही उसने मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए है भाई, और ये कुछ इस्लाम का मंत्र मुझे पढ़ रहा है लग रहा है, ऐसे कुछ मंत्र पढ़ रहा है। और एक बड़ी सी मूर्ति है, गौतम बुद्ध की मूर्ति लग रही है आई थिंक, और दो छोटे छोटे बच्चों की फोटो रखी हुई है यहाँ पर किसी फैम। लेकिन यार जब उनकी नई शादी हुई थी तो नई शादी होने के बाद में बच्चे कहाँ से हो गए? बात तो सही है, शादी के दौरान उसकी तो वो हुई थी ना, डेथ हो गई थी, यानी शादी करने के बाद में। तो हो सकता है भाई उसके माँ बाप के घर पे हो या वहाँ पे उसकी आत्मा भटक रही हो। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे 3D फोटोज है बहुत सारे और ये गेट खुलेगा। यस खुलेगा भाई साहब, खुल कैसे रहा यार।
कर रहा है गेट भी। अच्छा मोमबत्ती है और एक छोटा सा टॉय रखा है बच्चे का। अलमारी खुलती है, यस खुलती है, कबर्ड सॉरी अलमारी बोल रहा हूँ। और सांसें कितने ज्यादा ले रहा है यार ये, सू सू कर रहे, नाकों की आवाज से क्लियर दिख रहा है। जैसे हम लंबी सांस लेते हैं नाक से आवाज सू सू करके आवाज आती है, वैसी आ रही है। अगर आप, मैंने पहले ही आपको कह रहा होगा, अगर आप हेडफोन यूज नहीं कर रहे हो तो आपको बिल्कुल मजा नहीं आएगा आएगा गेम देखने में। आप हेडफोन लगाओ तभी जाके आपको सही मजा आएगा। और कार 98 रखी हुई है और कुछ सीटीसी बाजी। ये उनका बेडरूम है, ओके। ये कहते हैं मोमबत्ती का है, कार 98 लेगा नहीं, लगता है कि शेडो है या फिर यहाँ कार 98 रखी हुई थी। और तंदूर रखा हुआ है यहाँ पर कमरे के अंदर, भाई यहीं पे बना के खाना खाते थे क्या? ओके आगे चलते हैं। लालटेन तो नहीं है। अरे गाना कहाँ बज रहा है, ये पुराना कोई गाना बज रहा है। बाथरूम भाई साहब ये गाना लग, मुझे लग रहा है गाइस कॉपीराइट आ जाएगा इस गाने पर। तो आ गया तो भाई मुझे काटना पड़ेगा इस गाने को। तो यहाँ पे दो गेट लगे हुए हैं और एग्जिट के लिए बोल रहा है मुझे। यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता एक है और एक अलग गेट है जिसमें मुझे की चाहिए। अच्छा ये बज रहा है यहाँ पर रेडियो, रेडियो भी बाबा आदम के जमाने का लग रहा है। और सिगरेट वगैरह फूक के फेंक रखी है, लेकिन उस एक्स्ट्रा में एक भी नहीं डाल रखी, सब बाहर फेंक रखी है। और बच्चे का फोटो रखा है, दोस्तों का फोटोज रखे हुए हैं, लैंप रखे हुए हैं और दरवाज़ा। फाइंड द की, तो मुझे भी यहाँ के खोलने लिए एक चाबी चाहिए। तो भैया चाबी कहाँ है, चाबी कहाँ है, चाबी कहाँ है, चाबी नहीं पता कहाँ है। फोन रखे हुए हैं, ठीक है। और ये घर तो यार मतलब कि बनाने वाले ने जबरदस्त बनाते हैं यार ये जो गेम प्ले, जो मतलब जो गेमर होते हैं बनाते। ओ गाना बंद हो गया, अपने आप बंद हो गया, मैंने कुछ नहीं किया गाइस, ठीक है। लेकिन यहाँ काफ़ी अंधेरा है, ये हाँ कोई गेट है गाइस। इस गेम में काफ़ी ज़्यादा अंधेरा है, तो मैंने आप लोग के लिए इसमें थोड़ा सा ब्राइटनेस खोल दी इसकी, ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। और अगर मैं आपको पहले बोलता गाइस, अगर आप इसको धूप में देख रहे हो या दिन के उजाले में देख रहे होगे, तो आपको बिल्कुल कुछ भी नहीं दिखाई देगा इसके अंदर, जहाँ तक मुझे लग रहा है। क्योंकि मैंने खेले हैं कई डार्क डार्क गेम खेले हैं जिनमें बहुत ज़्यादा डार्क होते हैं, उसमें कुछ दिखता नहीं है, वो सिर्फ आपको बंद कमरे में ही आपको क्लियर दिखाई देंगे, नहीं तो नहीं दिखाई देंगे। अब मैं रसोई में आ गया और रसोई में यहाँ पे बहुत सारे बर्तन वगैरह पड़े हैं और एक फ्राई पैन रखा है पबजी वाला पैन। और प्लेटें है, ऊपर खुलेगा नहीं, ऊपर नहीं खुलेगा। और अभी तक तो फिलहाल मेरे मुझे किसी भी भूतनी वूतनी आएगा। और गैस सिलेंडर जगह जगह पे पड़े हैं, कहीं छोटा पड़ा कहीं बड़ा पड़ा है। और ये कोई सोफ़ा है, क्लियर देख नहीं रहा मुझे अभी, लाइट नहीं है यहाँ पे, मेरे हाथ में टॉर्च वॉर्च भी कुछ नहीं है यार। ठीक है आगे चलते हैं। अल्लाहू अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह ला 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 ला। और अभी तो रुको, सॉरी भाई सॉरी। अगर मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं किसी धर्म के ऊपर नहीं कहना चाह रहा हूँ, बोलना चाह रहा हूँ, अब मुझे नहीं पता इस बारे में, तो गाइस अब आगे नहीं बोलूँगा मैं कि वो क्या बोल रहा है, अल्लाह अकबर करके जो भी बोल रहा है, ठीक है। तो यानी कि हमें जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी है शुरू हो चुकी है, और कोई दरवाजा वगैरह खुला पीछे से, अरे आवाज भाई साहब, गाइस हेडफोन लगा लो, आपसे बता रहा हूँ मैं, आवाज मेरे इस कान में आके ऐसे घूम रही है। नाइस, मैं फिर से उसी कमरे में आ गया। मुझे लगता है कि हमें इस घर में घूमते ही रहना है। और गाइस मैं आप लोगों को एक चीज और बताना चाहता हूँ कि इस गेम को गेम प्ले करने में मुझे करीब करीब एक घंटा लगा था, लेकिन उसके बाद में मैंने गेम को कट किया है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि आप इस घर में घूमते रहोगे और जिस जो डेवलपर है इस गेम के, उन्होंने मतलब कि एक टाइम सेट कर रखा है कि आपको उस टाइम पर ही आपको वो चीज़ मिलेगी, उसके अलावा आपको पहले नहीं मिलेगी। जैसे दूसरे गेम्स में होता है कि आप जाओगे आपको तुरंत मिल जाती चीज़, लेकिन इसमें नहीं मिलेगी। तो अभी गाइस मुझे की चाहिए और मुझे एक भी की नहीं मिली है, मैं दूसरी बार आ चुका हूँ और हमारे साथ में फर्स्ट पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो चुकी है और ये गेट खुल गया है, यही गेट खुला है, ठीक है, इसी को आ जाती। और ये बच्चा किसका है, बच्चा नहीं डॉल है, ओके। और एक भाई मुझे ऐसा लग रहा है कि यार लड़की को ही लड़का बना रखा है। कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है, दरवाजा बंद हो गया, ओके। हेलो छोटे छोटे, खुलिया 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 खुलिया, घंटा बजा भैया। साउंड बहुत ही मस्त आ रहा है भाई, सच बता रहा हूँ, अगर हेडफोन नहीं लगाओगे बिल्कुल तो आपको बिल्कुल मजा नहीं आएगा, सच बता रहा हूँ मैं, देख लेना आगे। ओके यहाँ और कुछ है, नहीं कुछ ही दिख रहा है मेरे को। रसोई में वापस रसोई में आ गया हूँ मैं, उसी पूरे घर में मुझे चक्कर काटना है और चाबी ढूंढनी है मुझे, ठीक है गाइस। और हमें ढूंढनी है तीन चाबी फिलहाल अभी, और मुझे एक भी चाबी नहीं मिली अभी तक।
मैं वापिस उसी घर में घूमते घूमते वापिस इधर उधर चक्कर काट रहा हूँ, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। कुछ हुआ? नो, बाथरूम के अंदर नहीं कहीं छुपा रखी। ये गेट सा क्या, ये डब्बा खुलता नहीं लेकिन यार, ये पता नहीं क्यों नहीं खुलता। और वॉश बेसिन में तो खून भरा हुआ है, शीशे में देखता नहीं हूँ यार, मैं कभी नहीं दिखता क्योंकि मैं खुद भूत हूँ भाई, दिखता नहीं हूँ शीशे में, पता नहीं क्यों नहीं दिखता। पहला से ऐसा शीशा देखा है मैंने, लेकिन ज़्यादातर सभी हॉरर गेम्स में आपका जो कैरेक्टर होता है वो नहीं दिखाई देता है। और यहाँ पर ये वो जगह है जहाँ पर हम पूजा पाठ कर रहे थे। ये क्या हो रहा है? अंधेरा हो गया? लाइट चली गई क्या? नहीं, लाइट तो नहीं गई। एवरीथिंग इज ओके। क्या हो रहा है? फूटा बल्ब, फूटा दरवाजा, टूटा बल्ब, फूटा दरवाजा, टूटा। नीचे जाके देखते हैं ना। नहीं, अभी की चाहिए हम लोग को, की नहीं मिल रही अभी तक। कुछ अंधेरा ज्यादा हो गया अपने आप ही। लाइटें बंद, चालू बंद, चालू हो रही है घर गए। ओके, कोई भाग रहा है ऊपर। हाँ, दरवाजा खोला किसी ने, दरवाजा खोल के बहुत साउंड देख रहे हो। इसको बोलते हैं पैरानॉर्मल एक्टिविटीज, जो मतलब कि कभी हो नहीं सकती है और वो चीज़ हो जाती है, और खासकर घरों में होती है जिन घरों में शैतान और आत्माओं का बसेरा होता है। इसलिए बोलता भैया थोड़ा पूजा पाठ वगैरह कर लिया करो, भगवान का नाम लिया करो। भगवान का नाम लोगे तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं आएगा, एक गारंटी है दे रहा, तुम्हारा भाई है, लिख के ले लो। ठीक है भाई, ऊपर चलते वापस से हम। काफ़ी देर हो गई मुझे, लेकिन अभी तक हमें भूतनी आंटी दिखाई नहीं दी है। मैं वापस से उसी जगह पे आ गया हूँ जो मेरा मंदिर है या फिर कुछ पूजा स्थल है जो मेरा, जहाँ पर मैंने नमाज पढ़ी थी। और अब मैं वापस से काफ़ी खून खराबा हो गया, यहाँ तो होली वगैरह खेली गई है। अरे छोटे, हाउ आर यू, क्या कर रहे हो बटवा यहाँ पर? फोटो उल्टा ही था क्या, क्यों सीधा था यार, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। ओके ओके, बेड में कुछ चेंज है? नहीं, कोई चेंजेस नहीं है। कुछ हुआ? क्या हुआ? फिर कोई गेट? भाई गेम डरावना तो है, लेकिन बस ये अपने आवाजों से डरा रहा है मुझे। अभी तक कोई सीन तो आया नहीं इसमें अभी तक वैसा डराने वाला, नहीं। और ये हॉरर गेम में होता गया, यही तो होता है। अरे छोटुआ नीचे तो आ गए, कुल्हाड़ी रखी छोटे के पास में एक, कि आपको मतलब जो साउंड इफेक्ट होता है उसी का तो सारा खेल होता है। और हेडफोन लगाने के लिए मेन रीज़न यही होता है कि हेडफोन में ही आपको मालूम चलेगा कि आवाज़ें कहाँ से आ रही है और कितनी तेज आ रही है, कितनी धीरे आ रही है। और हॉरर गेम्स में तो भाई इतनी तेज़ आवाज़ आती है ना भाई, क्या बोलूँ मैं। ठीक है, कुछ मिला मुझे? यार मैं कितना चक्कर काटूंगा, मुझे एक भी चाबी नहीं मिली अभी तक। ओ, मिलके 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 मिल गई। उठा उठा, यस ठीक है। इतनी आसानी से चाबी नहीं मिली मुझे, तीन चार जंपस्केयर आए हैं मेरे पास अभी तक, लेकिन आंटी जी, आंटी जी सामने खड़ी थी। असल में देखो भाई, ठीक है ठीक है। कोई व्हाइट कलर का लंबा सा बंदा खड़ा था जिसने व्हाइट रंग की चद्दर ओढ़ रखी थी, आई थिंक अमिताभ बच्चन जितना हाइट का होगा, 6.5-6 फीट का। चाबी से ये गेट खुल गया है, ओ कर रहा है, खुल तो जा, ओ कर रहा है गेट भी। ओके, एक टीवी रखी है यहाँ पर, टीवी चलती है। बिस्मिल्लाह, अल्लाहु ला इलाहे इल्लाहु वल्लाहि कय्यूम, देर से आओ हुई सिनत यूनिवरम लहू महफी सेम्वेशन माफियल अल मेंडेलरी ग्रीन देहू। एक अनुमति देता है या इलम इसे 10 तक बढ़ा देता है। मैं अभी भी अच्छा मन ट्रेवलमैन नहीं हूँ। इंदहु इल्ला बिइज़्निह। भाई लाइट कहाँ चली गई? यालमु मा बैन अयदीहिम व मा खल्फहुम व ला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शा। ओ कुत्ता है क्या यहाँ पे कर रहा है? क्या भाई, मैडम दिख गई, मैडम दिख गई, मैडम दिख गई भाई, मैडम दिख रही खड़ी है तो कुछ करेगी भी। हेलो हेलो हेलो, हाउ आर यू, आर यू ओके? देखा गाइस, साउंड देखा आपने,
पूरा ऐसा हो जैसे कान में बम फट गया हो मेरे, ठीक है। और ये कुछ निशान से आ गए, पहले दीवार पर निशान आए थे, सोफा अब मुझे अच्छा दिख रहा है क्योंकि ऑटोमेटिक कहीं से टॉर्च आ गई मेरे हाथ में, कहाँ से आ गई मुझे नहीं पता, लेकिन आ गई है। मैंने कोई बटन एक्स्ट्रा वगैरह कुछ नहीं दबाया कि टॉर्च ऑन करने के लिए, ऑटोमेटिक टॉर्च ऑन हो गई है, लाइटें बंद हो गई है, ठीक है। हम वापस चलते इस तरफ, और कुछ है यहाँ पे? नो, बच्चा भी वहीं बैठा हुआ है। वापस से ऊपर चलता हुआ इसमें, जैसे जैसे राउंड मार रहा हूँ मैं जगह जगह पे। फोन बजा, ठीक है। नो भाई कुछ नहीं है। अरे वो उन्हें उठा भी नहीं रहा, वो क्या करूँ। चल इस साइड चलते हैं इस बार। काफ़ी देर से राउंड मार रहा हूँ, और गाइस हमारा मेन मोटो यही है कि हमें 1 मिलियन सब्सक्राइबर कंप्लीट करने हैं। और आप लोग जो बैठे हो ना और देख रहे हो वीडियो, तो जाके सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों में शेयर करो वीडियो को, ताकि 1 मिलियन सब्सक्राइबर जो मोटो है वो कम्प्लीट हो सके और अपनी फैमिली थोड़ी बड़ी हो सके, ठीक है गाइस। अल्लाह की कसम भलाई के बीच के लिए कुछ भेजो। साउंड बहुत तेज आता है यार, सच बता रहा हूँ। ओके अभी 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 मुझे एक ही चाबी मिली है एक गेट की ना, और अभी 2 चाबियां मुझे और चाहिए, एक मेन गेट की, एक और मिल गई भाई, मिल गई, उठा इसको, ठीक है। और एक इस वाले गेट की, ठीक है, खुलेगा, खुल गया। ये कौन सा रूम है भाई साहब? ये तो बेसमेंट है, आई हेट बेसमेंट, पूरा अंधेरा हो गया पीछे तो, मतलब बोल रहा आपको आगे जाना ही पड़ेगा। ओके नाइस, चलो कुछ है यहाँ पे? नो मैंने कहा था उसने सारे के सारे मंत्र पढ़ दिए भाई जितने भी थे। ओके अभी अभी इस साइड चलते हैं। हम किसी बेसमेंट में आ गए और यहाँ पर हाथ छपा हुआ है उसके, ये कि टीवी में है कोई, लेकिन दिख नहीं रहा है। हल्की हल्की टीवी दिख रही है मुझे, क्लियर दिख नहीं रहा है, या ग्लिच आई थिंक, या फिर टीवी बंद है। ओ शिट, यहाँ तो कोई किसी को गार्ड रखा है और ये खून खान पड़ा है यहाँ दुनिया भर का, ठीक है क्या करूँ अब मैं? फिर आगे भाई सामने खड़ी है देख रही है इसने, भाई कपड़े कौन से पहने हैं? पैंट पहनी है और वाइट रंग का शर्ट पहना है, और इस पीले रंग के बाल है, मुंह दिख नहीं रहा गाइस। अबे तू भूत से भूतिया गेम खेल रहा है, उसको मॉडलिंग कर रहा है उसकी। चल आगे चलते यार। ओके कहाँ गए मैडम? अरे छोटो हाउ आर यू, तुम फिर से आ गए यहाँ पर, क्या कर रहे हो बटवा? वेयर इज योर मॉम? भाई क्या हुआ जा रही है ये? फाइंड 5 dolls एंड ड्रॉप देम इनटू द ग्रेव। मुझे 5 doll ढूंढनी है और उस कब्र के पास में जाके रखनी है, ठीक है। ओके चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक डॉल तो यहाँ नीचे रखी हुई थी, उठा ले इसको, उठा उठा। अरे उठा नहीं रहा भाई, ये हाँ कर रहा है, ठीक है। गाइस यहाँ बहुत ज़्यादा अंधेरा था, मैंने थोड़ी सी कोशिश करी है आपको क्लियर दिखाने के लिए, बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस बढ़ा रखा है मैंने। दरवाजा खुल गया, कहीं दरवाजा खुला, ओह मेन वाला दरवाजा खुल गया, ऊपर जाने का, ठीक है। तो उसने बोला ना 5 आपको डॉल ढूंढनी है, ठीक है। एक डॉल तो यही थी, वो डॉल गायब हो गई, ठीक है। तो इसका ऊपर होगी, यही गेट खुला है आई थिंक, हाँ यही खुला है, देखो लाइट जल गई, ऑटोमेटिक लाइट जल गई अब। और अब मुझे 5 dolls ढूंढनी है। ओके चलो ढूंढते, कहाँ पर है? एक तो मिल गई, देख रही, ओके सोफे पे बैठ के देख रही है।
पूछो। आवाज पहले ये आवाज नहीं आ रही थी दो, ठीक है पहले ये जो फ्रिज की आवाज सीनर मतलब क्या होता है यार, सीनर मतलब क्या होता है यार, पता नहीं मुझे, ठीक है। और अभी चलते इस तरफ में, और यहाँ पर दो डॉल मिल गए ना गाइस, हमको पांच डॉल इकट्ठा करनी है, और वो पांच डॉल इकट्ठा करने के बाद में कुछ तो होगा भाई, 100% होगा। तो मेरे ख्याल से पांच डॉल इकट्ठा करना इतना आसान नहीं होगा, ऊपर चलते हैं अब। नीचे तो मुझे खाली कितनी मिली, दो मिली कि तीन मिली यार, आई थिंक मुझे दो मिली है, तीन मिल गया आई थिंक, ठीक है। एक बोरी सामने, चार, ठीक है। और कहाँ है, और नहीं, और यहाँ कुछ नहीं दिख रहा मुझे। सीन लेकिन जबरदस्त आते हैं गाइस, और सीन जो है ना काफी देर में आते हैं, लेकिन तुम्हारे भाई ने गेम थोड़ा काट रखा है। कोई सीनरी है यहाँ पर, बहुत सारी लेडीज है जो आपस में खेल रही है, अब किस चीज से खेल रही है मुझे नहीं पता, ठीक है। अब पांच, लो पांच हो गई ना आई थिंक, चलो पांच कंप्लीट हो गई, नहीं अभी चार हुई है, एक बची है, एक यहाँ पर है, पांच। एक मंदिर में बैठी हुई थी, यानी भूत में इतनी ताकत है भाई, उस हमारे उस मंदिर के अंदर घुस गया भाई। तुर्की के भूत है ये, कहीं भी घुस जाएंगे, अपने इंडिया वाले भूत कितने नहीं, एक जगह खड़ो के है करते रहेंगे पहले तो आधे घंटे तक, तो उसके बाद में आगे आके बोलेंगे आप भाग जा, जब तो बंदा पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा आधे घंटे में तो। चलो ठीक है आगे चलते हैं। अब मुझे ये जो पाँच के पाँच डॉल है उस कब्र के पास में जाके रखनी है, ठीक है, और उसके बाद देखते हैं गाइस कि आप आगे क्या होता है, क्या लगता है क्या होगा। ये तो ऑटोमेटिक यहाँ पहुँच गई, और नीचे बिर किब्र पत्तक का कुछ लिखा हुआ था गाइस, कोई मंत्र उंत्र पढ़ा है इसने, लेकिन मैं क्लियर पूरा पढ़ नहीं पाया इसको, ठीक है। पाँच डॉलर मैंने रख दी यहाँ पर, और हाथ का निशान यहाँ पर भी है, और टीवी चल गई टीवी में भूतनी आ गई रिंग वाली, देख रही है हमको, द रिंग जो मूवी में है, तो देखते रहे, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, हो सकता है जहाँ पे वो मिशन लिखा हुआ था और कोई नया मिशन आ गया हो, फाइंड फायर एंड बर्न बेबीज। तो गाइज मुझे यहाँ पर जो बेबीज है उनको जलाना है, या तो फिर वो लाइटर से जलाना है, या तो फिर मुझे माचिस से जलाना है, ठीक है। तो मुझे माचिस या फिर लाइटर या फिर मशाल, कुछ ऐसी चीज़ चाहिए जिससे मैं उसे जला सकूँ, तो मुझे यहाँ पर एक माचिस मिल जाती है। अरे बंद क्यों हो गया, बिल्कुल ठीक है, तो कुछ कर रहा भाई, माचिस उठाई क्या कर ली। ठीक है, तो मेरे माचिस उठा ले गए, और हम वापस से चलते हैं उसी में, क्या बोलते हैं सुरंग में नहीं यार, क्या बोलते हैं उसको यार, नहीं भूल गया, दिमाग से उड़ गया मेरे, बेसमेंट बोलते हैं ना इसको, ठीक है। नीचे आ जाता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पे आने के बाद मुझे जो बेसमेंट में तो जो बर्न करनी है ना, फाइंड फायर एंड बर्न बेबीज, तो मुझे इन बेबीज को आग लगानी है, ठीक है। माचिस मुझे मिल चुकी है, लाइटर मुझे नहीं मिला, माचा मिल गया, मुझे लगता है कि माचिस से हमारा काम बन जाएगा, क्योंकि उसमें क्लियर लिखा है ना बर्न करना है, जलाना है उसको, ठीक है, तो जला देते हैं। अब टीवी बंद हो गई, उस टाइम टीवी चल रही थी, चलो भाई बेबीज आप लोग स्वाहा, चल गए। क्या हुआ, कोई मंत्र नहीं पड़ेगा भाई, सीधे जला दिया तूने तो, कब्र में वो जल गई सब, चलो आगे चलता हूँ। नहीं यहाँ भी आग लगी हुई चारों तरफ, और थोड़ा कुछ मिलेगा यहाँ पर मुझे भूतनी, लेकिन यार इतना आसानी से कैसे वो जलाने दिया उसने मेरे को, एकदम सिंपल। वापस ऊपर जाना है कि कोई नया मिशन आ गया, नहीं मिशन तो वही है, ऊपर जाए, रास्ता बंद हो कर दिया भाई, अब क्या करे, बेसमेंट में कुछ होगा लगता है मुझे यहीं पर, और जो जलाने को उसने बहुत हमें जला तो दिया यार, अब क्या रह गया। ओके देखता हूँ मैं, एक सेकंड रुको, वो कब्र गायब हो गई, बच्चे जल के काले काले हो गए, और सामने ये क्या रखा हुआ है, बकरे का सर और दो तीन हड्डियाँ पड़ी है यहाँ पर। और गाइस ये जो बकरे का सर होता है ना, तुर्कीस और कुछ मैंने ज़्यादातर देखा है इस्लामिक देशों में, जो एक मूवीज़ वगैरह देखा है उनमें देखा है कि ये जो होता है ये किसी शैतान का सिंबल होता है बकरे का सर, जैसे कि अपने इंडियन में ओम ओम होता है,
और भी होता है, कई चीजें अलग तरह के होते हैं, सिंबल होते हैं। ओह दरवाजा खुल रहा है, ऐसे ये भी सिंबल उनका होता है। तो मुझे लगता है वापस गेट खुल गया है, जो गेट बंद हो गया था और अपने आप गेट खुल गया है, और ये भी कुछ टाइम बाद खुला है गाइस। मैंने यहाँ पे 2-4-5 चक्कर काट लिए, और एक और कुछ बोर्ड से कुछ स्लिप लगी हुई है यहाँ पर, स्लिप पे कुछ लिखा होगा 100%। क्या लिखा है, क्या लिखा भाई, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है। तो उसने लिखा था इसमें गाइस, जहाँ तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से बाहर निकलने के लिए मुझे एक चाबी चाहिए। कुछ हुआ, क्या हो रहा है, अब मोमबत्ती कहाँ से आ गई? और भाई तेरी तो गाइस साउंड देखा आपने, अरे यार ये तो रियल ऐसा लग रहा है जैसे मेरे इस साइड कोई कोई गेट या कुछ है, डक 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 कर रहा है। अगर अभी आपने हेडफोन लगाए नहीं देखा तो मन जाएगा। और यहाँ तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि गाइस एक बार जाओ, अभी जाओ जाके हेडफोन लगाओ, और ये जो डक 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 जो आवाज़ आई है ना, इसका महसूस करो कि आपके लेफ्ट साइड में आ रही है कि राइट साइड में आ रही है, और क्लियर लेफ्ट साइड में आ रही है एकदम, ठीक है। और यहाँ पे एच लिखा हुआ है, एच से मेरा नाम तो नहीं है भाई, एच से भूती का नाम था क्या। फाइंड द एग्जिट की, तो अब मुझे एग्जिट की भी ढूंढनी है भाई, हद कर दी इन लोगों ने तो। ये कोई गांव का फोटो है, बहुत बड़ा सीनरी वगैरह है, ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एग्जिट की भी गाइस हमें मिल जाएगी, इतना सोफा लेकिन बड़ा मस्त है यार, इसको बोलते हैं किंग साइज सोफा। और सब क्या सामान वामान मिलो, चाबी मिल गई गाइस, चाबी मिल गई। अब चलो चाबी लगाते हैं, जाके गेट खोलते हैं और यहाँ से फुर हो जाते हैं। तो यानी गाइस हमारा जो मेन काम था, हमारा जो मेन मोटो था यहाँ पे भूत को स्पेल को तोड़ने का, उसके जाल को तोड़ने का, तो हमने एक रिचुअल के जरिए उस भूत को यहाँ से भगा दिया है, और अब मैं उस घर से बाहर आ गया हूँ, ठीक है। अरे खोल ले भाई, और ये आ गया है, थैंक्स फॉर प्लेइंग ई ब्लास्ट। तो गाइस कैसा लगा गेम प्ले आपको, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे तो गेम काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, लेकिन जिस टाइप के गेम्स में खेलता हूँ कि भाई एकदम झटके लगते धड़ाधड़ वाले एकदम, वो उस टाइप का गेम नहीं था ये, लेकिन फिर भी ठीक ठाक ही था। और गाइस आप लोग के क्या सजेशन है इस गेम के बारे में, या कमेंट खाली पड़ा रहता है वो फ्री रहता है, जाके मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ कि कैसे क्या और कौन सा गेम खेलूँ मैं, और क्या आपके बारे में, इस गेम के बारे में आपकी क्या राय है। ठीक है, मिलते हैं एक और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड नाइट।